हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू OESF फैमिली रिएक्शंस। मेरा नाम है वकास। मेरा नाम मोहम्मद सदीक और मैं हूं मिसेस वकास। तो भाई लेकर आते हैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो, तो उसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। इसके अलावा हमारी इंस्टाग्राम आईडी और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करके अपने सजेशंस दे सकते हैं। तो आज की वीडियो है इंडियाज गॉट टैलेंट में कोई वेट लिफ्टर, बाकी जो है हिंदी में है। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो और देखते हैं कि वीडियो में क्या है। बच्ची के लिहाज से 5 किलो बहुत है। वही ना, ये कितने साल की होगी, 10-12 साल की होगी बच्ची। अच्छा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले भी बैठे हैं भाई इधर। बच्ची साथ में वार्म अप भी कर रही है। डबल कर दिया भाई। ओ भाई, शिल्पा शेट्टी के एक्सप्रेशंस तो चेक करो। 15 kg, जबरदस्त यार। ये बच्ची मुझे 10 साल की या 11 साल की लग रही है यार। 20 साल की भी हो, वो बच्ची बच्ची ही होती है। ओ, और बढ़ा दिया। बीस हो गया होगा। My God, ये बहुत ज्यादा हैवी। अच्छा, ये ऊपर नहीं उठाएगी मेरे ख्याल से। ताकत बहुत हो रही है। 55 kg अबू। इसको मैं है डेड लिफ्ट बोलते हैं शायद। फुल बॉडी की जो बोलते ना नसे वसे सब खड़ी हो गई है। किलो 55 किलो शिपिंग का। जी हाँ। और इनकी उम्र कितनी है? 8 साल भाई, हम तो 10-11 पे जा रहे थे। ये रिकॉर्ड होने वाला है मोस्ट क्लीन एंड जर्क मूवमेंट्स इन 30 सेकंड्स। हमने इसके लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट सेट किया था 16 का, विच इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट दैट वी सेट ऑन द बेसिस कि ये चैलेंजिंग हो, ताकि कोई इसको जब अटेम्प्ट करना चाहे तो उसमें एक चैलेंज और डिफिकल्टी लेवल हो। इसके पहले ये रिकॉर्ड अब तक किसी ने नहीं किया है। सो इफ शी इज एबल टू सेट अ न्यू रिकॉर्ड और ब्रेक दिस नंबर ऑफ 16, एंड शी विल बी द फर्स्ट वन जिन्होंने ये रिकॉर्ड सक्सेसफुली अचीव किया है। सो अर्शिया, आपको 16 कम से कम करने हैं। अगर आप उससे ज्यादा करोगे तो आप ये रिकॉर्ड ब्रेक कर पाओगे। इसमें आपको 30 सेकेंड मिलेंगे। ओके, आपको
जो बारबेल है उसको नीचे से उठा के आपके सिर के ऊपर तक लेके जाना है, तब ये एक काउंट होगा। Are you ready? ओह दिल तेजी से धड़क रहा है भाई मेरा। On my count, in 3, 2, 1, go. सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह रिकॉर्ड तोड़ दिया, सत्रह। ये हेवी होगा ना जो उसके पास है, वो रुकी नहीं। भाई ये तकरीबन 6-7 किलो की होती है ये रॉड। ये रखता से होगा। ओके, मेरी दिल की धड़कनें तेज हो रही है, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली काउंट क्या है। Well done, Ashia. That was a very impressive performance. As you know, 30 seconds were counted. You did continue after 30 seconds, but we counted how many you did in 30 seconds. As you know, the record to match or exceed is 16. I can confirm that you completed a total of 17 tha shayad. 17 या 18 था। 17 clean and jerk. 17. You this certificate for your brand new record. You are officially amazing. आप चॉकलेट वगैरह खाते हो? नहीं, मेरे को चॉकलेट अच्छी नहीं लगती। इसके गोल आ रही है भाई। सीखो कुछ। कोल्ड ड्रिंक पीते हो? नहीं, मेरे को सिर्फ चिकन अच्छा लगता है और एग अच्छा लगता है। जिम की डाइट ही है। कार्ब नहीं, प्रोटीन। अर्शिया, गोलगप्पे अच्छे लगते हैं? नहीं। छोले भटूरे? नहीं, वो तो बहुत गंदे लगते हैं। बादशाह बाजी अच्छे लगते हैं? हाँ जी। अरे वो इसी से बने हैं। सर, मैम, अर्शिया, कांग्रेचुलेशंस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर। तो भाई वीडियो हो गई है यहाँ पे कंप्लीट। यार क्या परफॉर्मेंस थी यार वो जो उन्होंने कहा था ना कि 16 रिकॉर्ड करने, उसके बाद मतलब क्या कह रहे, एक आध ऊपर हो भी गया तो आप मतलब कि उसमें हो जाएंगी ना। उस टाइम पे वो बच्ची का जो वो चल रहा था टाइम, उसमें जो करे थे, यकीन माने तो फुल बॉडी के बाल और रोंगटे खड़े हो गए और हार्ट बीट और
आंखें भर आई थी वो बच्ची और हमें मतलब मैं काउंट कर रहा था साथ साथ लाइफ के ये ब्रेक टूटना चाहिए और वो इतनी छोटी हम तो समझ रहे 10-11 साल क्योंकि पर वो 8 साल की बच्ची इतने खुश नसीब इनके माँ बाप की वो बच्ची में माशाल्लाह इतना टैलेंट के एज देखे और उसके हिसाब से उनका जो टैलेंट तो चलो एक अलग चीज है लेकिन असल चीज है जज्बा और इस एज में मैंने जब सर्टिफिकेट उसके हाथ में दिया है ना बच्ची के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने तो मैं सीरियसली मैंने जब बच्ची के एक्सप्रेशंस को नोट किया ना तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये बच्ची को कोई अचीवमेंट नहीं लगी क्योंकि 8 साल की बच्ची है यार 8 साल की बच्ची क्या मतलब वो सोचती होगी या उसके क्या वो फीलिंग्स होंगे उसको मतलब यूं समझ ले मेरी नज़र में कि उसके लिए कि कोई खास बड़ी बात नहीं थी ये काम जो मैंने किया है मतलब उसको अभी उसकी शायद वैल्यू का आइडिया ही नहीं है कि मैंने क्या कर दिया है और ये थोड़ी और बड़ी होगी 10-11 साल 12 साल तक जाएगी थोड़ी मैच्योर होगी थोड़ी समझदार होगी तो उसको पता लगेगा कि हाँ यार मैंने ये किया हुआ है मैंने बेहतरीन काम कर दिया है और 55 kg की डेडलिफ्ट मारने के बाद वो रॉड का वजन खास नहीं है लेकिन इस बच्ची की एज के लिहाज से बहुत ज्यादा है बहुत और कंटिन्यूसली जो है उस बच्ची ने रिपीट किया उसको रिपीट किया ऑसम परफॉर्मेंस थी यार यकीन करो मजा आ गया इसको देख के अबू क्या कहते हो आप हैं हैरत अंगेज हैरत होती है कि सबसे पहली बात बहुत मेहनत की गई है इस पर बिल्कुल और मेहनत करने वाले उसके पेरेंट्स हैं फिर उसके बाद जो उनके कोई उस्ताद रखे होंगे या खुद ही वो उस्ताद है क्या है उनके वालदेन यही फील्ड में क्या करते बहरकैफ मेहनत उस पर बड़ी की गई है और हैरत होती है वाकई आजकल के बच्चों को तो हम शॉपर में जो 1 किलो सौदा होता है वो उठाया नहीं जाता वो भी नहीं दे सकते कि यार थक जाएगी गिरा नहीं दे गिरा ना दे एक तरफ से झुक ना जाए तो बड़ी बात होती है और देखा पेरेंट्स कैसे रो रहे थे ना मतलब कि जब वो वेट उठा के ऊपर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कोई छोटी बात नहीं है तो भाई बस उनके वो जज्बे देख के मेरा भी दिल भर आया कि जाहिर सी बात बात ये है वो रोना क्या होता है एक रोना होता है सदमे का और एक रोना होता है खुशी का ये खुशी के आंसू थे सदमा भी जब बर्दाश्त नहीं होता तो आंख से आंसू आता है और खुशी भी हद से ज्यादा तजावज कर जाए तो आंख से आंसू बिल्कुल बिल्कुल यही बात है खुशी के आंसू थे वो हकीकत बात है यार बाकी इस बच्ची ने यकीन करो दिल जीत लिया यार मैं बच्ची को देख के हमारे अंदर भी एक जज्बा सा उठ रहा था ना कि मतलब वो सीन बड़ा जबरदस्त था कि जब उन्होंने पूछा कि आप छोले भटूरे खाती हो चॉकलेट खाती हो नहीं छोले भटूरे तो मुझे बहुत गंदे लगते हैं जाहिर है ऐसे चीजें करने वाले आलतू फालतू चीज तो खाते नहीं उनकी एक लिस्ट होती है वो को खाते है एग और वो चिकन एग और चिकन और बाकी और जो भी प्रोटीन वाली चीजें होंगी शेक्स वगैरह हो गए ऐसे बच्चे बहुत कम देखने में नजर आते हैं वरना आग खुलती है मम्मा मोबाइल दे दो मम्मा मोबाइल दे दो मोबाइल ने बच्चों को खराब करके रख दिया तबाह और बर्बाद कर दिया है बच्चों को क्या यार मैं शाम को होटल पे जाता हूँ लाइन से बैठे होते हैं पठान के होटल में एक प्याली वो भी कट चाय पीते हैं और घंटों बैठे रहते हैं कान में टूटिया हाथ में मोबाइल जिसको देखो मैं ऐसे यूँ जब देखता हूँ चारों तरफ तो मुझे हैरत होती है क्या मुल्ला क्या दाढ़ी वाला भले मुल्ला वो इस्लामी देख रहा है लेकिन मसरूफ़ है कार सरकार है उन्होंने अजीब मेहमान आ जाता है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम उसके बाद मेहमान साहब पहले खुद ही मोबाइल निकाल के बैठ जाते और आदमी देखता रहता है यार इसके बाप का हाल पूछना है इसकी माँ का हाल पूछना है अगर गलती से पूछ भी लिया तो वो हाँ बिल्कुल ठीक है ऊपर नहीं देखेगा तो शर्म आती है बिल्कुल भाई चलो भाई खैर वीडियो करते हैं यहीं पे एंड इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत ख्याल रखिएगा बहुत सही दुआओं के साथ खुदा हाफिज़